2018 में अवामी राय कुचल कर एक नाहिल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत करना और पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के गड़े में धकेलना काफी नहीं था? सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार की शिकस्त के फौरन बाद जिस तरह आपने एतमाद का वोट लेने में अपने सिलेक्टेड की दोबारा मदद की, क्या वो किसी से ढका छुपा है? दसका का इलेक्शन 2018 के इलेक्शन का रीप्ले था, जिसमें धांधली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए और फिर कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। वाह, पाकिस्तान के जमहूरी निजाम और अखलाकियात को पांव तले रोनते हुए आप इस हद तक गिर चुके हैं कि पहले आपने कराची में चादर और चार दीवारी को पामाल किया, रात के वक्त मरियम नवाज के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा और अब उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो बाज ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। मरियम, जिस जुर्रत और ईमान के साथ अवाम की हक हुक्मरानी और वोट को इज्जत दो की जंग लड़ रही है, इंशाअल्लाह उनकी हिफाजत अल्लाह करेगा। मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा, इंशाअल्लाह। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।